हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम। फतेह एडुकॉम में हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में। जब नेपोलियन का डाउनफॉल हुआ था, तो उसके बाद जो विक्टर कंट्रीज थी, मतलब जिन्होंने अलायंस बनाया था अगेंस्ट नेपोलियन, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो नेपोलियन की वजह से उनको नुकसान हुआ है, मतलब नुकसान इन दी सेंस टेरिटोरियल नुकसान, बिकॉज पूरे एक तरह से पूरे यूरोप में ही जो था वो नेपोलियन ने अपना रूल किया है ना, तो उनको था कि उसकी भरपाई होए किसी तरीके से। एंड दूसरा, बिकॉज फ्रांस एक तरह से बहुत ही स्ट्रांगेस्ट पावर एज अ इमर्ज हुआ था, तो उनको ये भी था कि कल को दोबारा से फ्रांस जो है वो इस तरीके से इमर्ज ना हो कि उनको दोबारा से कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़े, राइट। तो फ्रांस के एग्रेशन को चेक करने के लिए, एंड दूसरा अपने जो फ्रांस का जो मतलब पूरे यूरोप का जो मैप था उसको रीस्टोर करने के लिए ये कांग्रेस जो थी वो बिठाई गई थी। रीस्टोर इन द सेंस कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का जो मैप था फ्रांस का, मतलब पूरे यूरोप का, वैसा रीस्टोर करने के लिए, वैसे टेरिटरीज को रीस्टोर करने के लिए ये कांग्रेस जो थी वो बिठाई गई थी, ठीक है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ मैप जो है वो पढ़ेंगे, ताकि आपको साथ ही साथ चीज़ें जो है वो याद होती चलें। इसके बाद अब जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज को नुकसान भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इटली थी, जर्मनी थी, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और वो डिफरेंट स्टेट्स जो थी वो फॉरेन रूल के अंडर आ गई थी, राइट। तो उसके चलते लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग भी अराइज हुई, ठीक है, और उसका कुछ रीज़न या फिर कुछ कंट्रीब्यूशन नेपोलियन को भी जाता है, बिकॉज ही पेव द वे फॉर नेशनलिज्म अमंग दोज पीपल, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी या उनसे बेनिफिट हो रहा है आपको। एंड बिकॉज मैंने पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री ख़त्म कर दी है, अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं। 6 लेक्चर आज हो जाए और 6-7 ही और रह जाएंगे, ठीक है। तो वो भी होपफुली जल्दी ही मैं कोशिश करूंगी कि कवर करूं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कांग्रेस ऑफ वियना वॉज द असेंबली ऑफ विक्टर्स हु डिफीटेड नेपोलियन फर्स्ट इन द बैटल ऑफ लिप्सिक इन 1813 एंड फाइनली इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, राइट। सो इट वॉज ऑर्गेनाइज इन ऑस्ट्रियन कैपिटल सिटी ऑफ वियना, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, इसलिए इसको कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक, ये जो था ऑस्ट्रियन चांसलर भी कह लो इसको, या इसको डिप्लोमेट भी आप कह सकते हो, उस टाइम पे ऑस्ट्रिया का डिप्लोमेट बंदा था ये, जैसे हमारे आज के डेट में होते हैं फॉरेन सर्वेंट जो होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्वेंट, तो वैसे ही मेटरनिक था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस कांग्रेस का क्या था, टू रीस्टोर द मैप ऑफ यूरोप disturbed by the forces of revolution and Napoleonic wars. So Napoleon had changed the political map of Europe within a short period. He had taken away territories, मतलब कुछ territories जो थी उसने, जो पुरानी states थी उसमें addition कर दी, और कुछ territories जो थी वो नई states बनाने में लगा दी। तो मतलब in and all उसने पूरा का पूरा map जो था वो पूरे तरीके से disturb कर दिया था यूरोप का, है ना। तो उसको रीस्टोर करना जो था इस कांग्रेस का एक ऑब्जेक्टिव था, राइट। सो अब इसमें कुछ डिफरेंसेस अराइज हुए। फॉर एग्जांपल जो प्रूशिया था वो चाहता था सक्सनी का कुछ पार्ट उसे मिल जाए, और बदले में वो रशिया को कुछ पॉलिश टेरिटरीज देना चाहता था, और रशिया भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा था बिकॉज उसको काफी लार्ज टेरिटरीज मिल रही थी। बट मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट था वो इस चीज को अपोज कर रहा था, और उसमें उसका जो साथ दे रहे थे वो दे रहे थे ब्रिटेन एंड फ्रांस, राइट। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस जो थे वो मेटरनिक का साथ दे रहे थे अगेंस्ट प्रुशिया एंड क्या उसे कहते हैं, रशिया, राइट। तो इन्होंने एक अपना एक अलायंस जो था वो बना लिया। अब यहाँ पे मैं मैप के साथ आपको समझाती हूँ, देखिए ये है प्रुशिया, राइट, तो ये है सक्सनी। अब ये सक्सनी जो है ये आप इस ऑस्ट्रियन एम्पायर देख रहे हो पूरा का पूरा, है ना। तो देखा जाए तो सक्सनी बिल्कुल इसके बॉर्डरिंग एरियाज में है। तो ये ऑस्ट्रिया जो था ये नहीं चाहता था कि प्रशिया जो है उसको ज्यादा से ज्यादा सक्सनी का पार्ट मिले, बिकॉज वो ऑस्ट्रियन बॉर्डर्स पे ही एक टेरिटरी थी। एंड इसके साथ प्रशिया जो था वो ये पोलैंड वाला एरिया, वारसा पोलैंड वाला एरिया जो था, इतना एरिया जो था वो रशिया को दे रहा था, नेगोशिएशन कर रहा था कि मैं तुम्हें ये वाला एरिया दे दूंगा, बदले में तुम मेरी हेल्प करो और मुझे ये वाला एरिया जो है वो
चाहिए, राइट। तो अब ये ऑस्ट्रियन एम्पायर इसको अपोज कर रहा है, इसके साथ साथ ये फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं वो भी इसको अपोज कर रहे हैं। तो इसके चलते ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया मिलके एक अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट प्रुशिया एंड रशिया। तो उसके चलते क्या होता है कि इनकी जो डिमांड्स थी इनको विड्रॉ करनी पड़ी रशिया एंड प्रुशिया को, और प्रशिया को सिर्फ 2/5 पार्ट ऑफ सेक्सनी ही मिला, राइट। इसके साथ साथ और भी, ये तो सिर्फ खाली एक ही चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये डिफरेंसेस कहाँ पे अराइज हुए हैं। उसके बाद बहुत सारी टेरिटरीज जो थी, यहाँ पे हम दोबारा मैप पे आएंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स को दे दी गई, राइट। तो सो वियना सेटलमेंट क्या था, ये बेसिकली इसके तीन प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर बेस था। सबसे पहला बैलेंस ऑफ पावर्स। बैलेंस ऑफ पावर्स का मतलब था कि अब यूरोप, पूरे यूरोप में कोई भी एक कंट्री जो है वो एज अ सुपर पावर इमर्ज नहीं होगी, जैसे कि फ्रांस हुआ था एट द टाइम ऑफ नेपोलियन, राइट। तो सबके मतलब जो यूरोप है वो एक इगैलिटेरियन बेस पे जो है उसकी डिवीजन होगी। एंड सेकेंडली रीस्टोरेशन ऑफ लेजिटिमेट रूल, जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रांस में रिपब्लिक का रूल चल गया था, बट अब क्या होगा, दोबारा से जो घराने हैं राजघराने जैसे बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, उसको दोबारा से रीस्टोर कर दिया गया था, राइट। ये चीज़ सेकेंडली, एंड थर्ड इज कंपनसेशन टू द विक्टर्स। अब कंपनसेशन यहाँ पे पैसे की बात नहीं होगी, यहाँ पे टेरिटरीज की बात होगी, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि नेपोलियन ने कुछ टेरिटरीज जो थी वो अपनी स्टेट्स में ऐड करने के लिए जो थी एक्वायर की, एंड कुछ नई स्टेट्स बनाई उसने। तो उसके चलते यहाँ पे वो विक्टर्स जो है वो कंपनसेट कैसे करेंगे, कुछ टेरिटरीज जो उनको अपने बेनिफिट में लगती होंगी वो अपने बीच में उनको सीड कर लेंगे। सो प्रिंसिपल, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर्स, मतलब कि ऐसी यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जहाँ पे कोई भी कंट्री जो है वो सुपर पावर नहीं होगी, और इसके साथ साथ जो फ्रांस है वो उसके भी एग्रेशन को चेक करने के लिए उसको भी हम जो आसपास की नेबरिंग बाउंड्रीज, नेबरिंग कंट्रीज होंगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक अलायंस होगा या स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज होगी जो कि उसके एग्रेशन को चेक कर सकें, राइट। सो इसमें क्या किया गया बाद में, प्रुशिया वॉज स्ट्रेंथेंड बाय गिविंग टेरिटरीज ऑन रिवर राइन। अब ये जो आप ये पर्पल वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये राइन, रिवर राइन को के साथ साथ वाला एरिया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एरिया मतलब ये वाला जो एरिया था ये प्रुशिया को दे दिया गया था, राइट। देन उसके बाद टू एनलार्ज एंड स्ट्रेंथन द किंगडम ऑफ सर्दिनिया, सिवॉय एंड पीडमोंट वर रीस्टोर्ड एंड जिनोवा एंड नाइस वर एडेड। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, ये जो येलो वाला पार्ट है सेवॉय जिनोवा एंड नाइस, तो ये जो किंगडम है पीडमंट सर्दिनिया ये इटली का ही पार्ट है बेसिकली, अभी हम देखेंगे। तो ये जो इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए ये वाले एरियाज जो थे जिनोवा नाइस सेवॉय, ये इनको दे, सेवॉय बेसिकली यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल था, ठीक है, सेवॉय डायनेस्टी थी। तो ये एरियाज जो थे वो पिडमेंट सर्दिनिया को चले गए। सो ऑस्ट्रियन नीदरलैंड वॉज ज्वाइंट विद हॉलैंड टू क्रिएट अनदर पावरफुल एंटिटी। पावरफुल एंटिटी किसके अगेंस्ट बन रही है, फ्रांस के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन का एरिया है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर का ही एरिया था पहले नीदरलैंड, जो कि हॉलैंड को, ये यहाँ पे डेनमार्क की कैपिटल है ना हॉलैंड, तो हॉलैंड को ये दे दिया गया। क्यों हॉलैंड को दे दिया गया, बिकॉज हॉलैंड से भी कुछ पार्ट लेके प्रुशिया को दे दिया गया था, ठीक है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। देन उसके बाद डेनमार्क से कुछ पार्ट लेके, मतलब नॉर्वे जो था दैट वाज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, तो नॉर्वे डेनमार्क से लेके स्वीडन को दे दिया गया। अब स्वीडन को क्यों दे दिया गया इतना बड़ा पार्ट, क्योंकि एज अ पनिशमेंट, बिकॉज डेनमार्क ने बहुत लॉन्ग टाइम तक नेपोलियन को असिस्ट किया था उसकी वॉर्स में, राइट। तो नॉर्वे जो था वो डेनमार्क से लेके जो था स्वीडन को दे दिया गया। एंड इसके साथ साथ स्वीडन को क्यों दे दिया गया, बिकॉज स्वीडन से फिनलैंड जो था और एक और टेरिटरी जो थी वो प्रुशिया को दे दी गई थी, और फिनलैंड जो था वो रशिया को दे दिया गया था, राइट। तो अभी हम वो भी पढ़ते हैं क्या क्या चीजें थी। सो प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन में मैंने आपको बताया था, ये तो हो गया बैलेंस ऑफ पावर्स, ये अब हम पढ़ेंगे। रिस्टोरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो राजघराने थे उनको दोबारा से एस्टेब्लिश किया गया, राइट, के जैसे बर्बन डायनेस्टी थी उसको फ्रांस में, स्पेन में, नेपल, सिसिली में दोबारा से एस्टेब्लिश कर दिया गया। हाउस ऑफ ऑरेंज था हॉलैंड में, उसको रिस्टोर किया गया। हाउस ऑफ सेवॉय था किंगडम ऑफ सर्दिनिया, उसको पीडमोंट सर्दिनिया में, जैसे मैंने अभी मैप में बताया, उसको रिस्टोर किया गया। पोप वॉज रिस्टोर्ड इन पैपल सिटीज इन द
सेंट्रल इटली, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इटली का मैप, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा अच्छे से. एंड वेरियस जर्मन टेरिटरीज विच हैड बीन इंक्लूडेड बाय नेपोलियन इन द कन्फेडरेशन ऑफ राइन वर ऑल्सो रिस्टोर, ठीक है, जो नेपोलियन ने मतलब सीसीड की थी दोबारा से उनको ऐड कर दिया गया. स्विस कन्फेडरेशन वॉज ऑल्सो, स्विट्जरलैंड कन्फेडरेशन, ठीक है, ये वाला एरिया, दिस वॉज ऑल्सो रिस्टोर्ड. एंड उसके बाद है टायरोल वॉज रिस्टोर टू ऑस्ट्रिया, राइट ऑफ ऑस्ट्रिया. अब जो ऑस्ट्रियन नीदरलैंड तो चला गया हॉलैंड को, बट अभी भी ऑस्ट्रिया का राइट जो है नीदरलैंड के ऊपर उसको रिकोगनाइज किया गया है. एंड हाउ एवर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ फ्रांस, ऑस्ट्रियन नीदरलैंड वॉज गिवन टू हॉलैंड. मेंबर्स ऑफ हैब्सबर्ग फैमिली वर रिस्टोर्ड इन द इटालियन स्टेट्स ऑफ परमा, मॉडेना एंड टस्कनी. अब जब हम इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो परमा, मॉडेना एंड टस्कनी थे, मतलब हैब्सबर्ग फैमिली जो थी, दिस वॉज बेसिकली रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है, तो ये भी ऑस्ट्रियन रूल के अंडर ही रहा है. अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन की. पहले पढ़ा हमने बैलेंस ऑफ पावर्स, जिसमें कोई भी मतलब पावर जो है वो सुपर पावर इमर्ज नहीं होगी, इसके चलते फ्रांस को फ्रांस के फ्यूचर एग्रेशन को चेक करने के लिए उसको सराउंड कर दिया गया पावरफुल अलायंसेस के साथ या कंट्रीज के साथ. एंड उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन, जिसमें राजघरानों को रिस्टोर किया गया. अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन, जिसमें फाइनली टेरिटोरियल गेन्स जो हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, वो क्या क्या हुए हैं. सबसे पहले प्रूशिया वॉज गिवन ऑल जर्मन टेरिटरीज विच हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हर बाय नेपोलियन, जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन ने ली थी, ठीक है, वो सारी की सारी रिस्टोर की गई. प्रूशिया वॉज ऑल्सो गिवन स्वीडिश पोमरेनिया, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो स्वीडिश स्वीडन ने क्या दिया था प्रूशिया को, पोमरेनिया डायनेस्टी दी थी, ठीक है, सॉरी डायनेस्टी बोल रही है, टेरिटरी दी थी स्वीडिश, स्वीडन ने पोमरेनिया दिया प्रूशिया को एंड फिनलैंड दिया रशिया को. तो बदले में इसको क्या मिल गया, नॉर्वे मिल गया. किससे मिल गया, डेनमार्क से, राइट. अब डेनमार्क इतनी बड़ी टेरिटरी क्यों दी, बिकॉज इसको पनिशमेंट मिली किस चीज की, इसने नेपोलियन को असिस्ट किया था बड़े लंबे समय तक, राइट. एंड इसके साथ साथ क्योंकि हॉलैंड की काफी टेरिटरी जो थी वो गई अब यहाँ पे, तो इसके चलते नीदरलैंड का जो एरिया था वो हॉलैंड के बीच में मर्ज हो गया, राइट, मतलब इसको दे दिया गया टेरिटरी, राइट. सो प्रूशिया वॉज ऑल्सो गिवन स्वीडिश पोमरेनिया, 2/5 ऑफ सेक्सनी, ये हम पढ़ चुके हैं, एंड मोस्ट ऑफ राइनलैंड. राइनलैंड कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये क्यों दे दिया गया, टू चेक फ्रेंच एग्रेशन. देन उसके बाद है मोस्ट ऑफ ग्रैंड डची ऑफ वार्सा, मतलब पोलैंड वाला जो एरिया है वो रशिया को दे दिया गया, ठीक है. फिनलैंड जो था वो स्वीडन से लेके रशिया को दे दिया गया. बिजार्बिया जो था ये ऑटोमैन एम्पायर से लेके जो था वो रशिया को दिया गया. देन उसके बाद नॉर्वे वॉज टेकन फ्रॉम डेनमार्क एंड गिवन टू स्वीडन टू कंपनसेट हर लॉस ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडिश पोमरेनिया. मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक है, नॉर्वे जो था ये डेनमार्क से लिया गया और बदले में स्वीडन को क्या दिया गया, स्वीडन ने क्या दिया, फिनलैंड दिया एंड पोमरेनिया दिया प्रूशिया को. फिनलैंड किसको दिया, रशिया को, राइट. देन उसके बाद एज कंपनसेशन फॉर ऑस्ट्रियन नीदरलैंड विच वॉज गिवन टू हॉलैंड, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया वर गिवन टू ऑस्ट्रिया. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ऑस्ट्रिया से ये जो नीदरलैंड था ये हॉलैंड को दे दिया गया था, तो इसको कंपनसेट करने के लिए ऑस्ट्रिया को क्या मिला, लोम्बार्डी मिला और साथ में वेनेशिया मिला विच वॉज अ पार्ट ऑफ इटली, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इटालियन यूनिफिकेशन में तो यू विल बी मोर क्लियर, राइट. देन उसके बाद ऑस्ट्रियन कंट्रोल ओवर द जर्मन स्टेट्स वॉज री एस्टेब्लिश्ड बाय क्रिएटिंग कन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट, ठीक है, तो ये जो कन्फेडरेशन है जर्मन स्टेट की, ये जितनी भी पर्पल लाइन आप देख रहे हो, ये जर्मन स्टेट की कन्फेडरेशन है, ठीक है, तो इसमें जो रूल है वो ऑस्ट्रियन एम्पायर का ही रहेगा, राइट. ऑस्ट्रिया ऑल्सो रिकवर्ड हर पॉलिश पोजेशंस. ग्रेट ब्रिटेन वॉज कंपनसेटेड विद माल्टा, सिलोन एंड केप ऑफ, ये बिल्कुल यूरोप के हम कह सकते हैं साउथ वाला जो एरिया एंड मेडिटेरेन सी के बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे माल्टा एरिया है, और ये कॉलोनीज थी जो ग्रेट ब्रिटेन को कंपनसेट करने के लिए दे दी गई. सिलोन जो है श्रीलंका का फॉर्मर नेम है एंड केप ऑफ गुड होप बिल्कुल साउथ अफ्रीका के, आपको पता है केप यहाँ पे बना हुआ है जहाँ से इंडिया की खोज हुई थी बाद में यूरोप ने,
वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के जरिए इंडिया गया था ना, तो वो वाला एरिया जो था वो ग्रेट ब्रिटेन को चला गया एंड डच गियाना सॉरी टेकन अवे फ्रॉम हॉलैंड, दैट इज वाई हॉलैंड वॉज गिवन ऑस्ट्रियन टेरिटरीज। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। सो इटली को आप अभी हमने पढ़ा है कैसे कांग्रेस ऑफ वियना के जरिए इटली के डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वेनेशिया लेम्बार्डी हमने पढ़ा है कि वो ऑस्ट्रिया में चली गई है ना, सर्दिनिया का एक अलग से किंगडम है जो सवाई डायनेस्टी उसके ऊपर रूल कर रही है, नेपल सिसिली जो है वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी जो है वो रिस्टोर हो चुकी है ना। तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन पावर्स जो हैं उन्होंने इसको इसके एरियाज को एक्वायर कर रखा है। तो उसके चलते मतलब एक फिलोसोफर कहते हैं इटली के रूल के बारे में, मतलब इटली का जितना भी मैप है उसके बारे में, कि यहाँ पे हर स्टेट स्टेट के अगेंस्ट है, हर सिटी सिटी के अगेंस्ट है, और हर एक मैन मैन के अगेंस्ट है, राइट। तो इसको यूनिफाई, ये यूनिफाई कैसे हुआ, कैसे लोगों को इसकी ज़रूरत जो थी वो फील हुई, क्यों हुई, इसमें बहुत बड़ा रोल जो था वहाँ के फिलोसफर्स का भी रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं तो वैसे वहाँ पे रेवोल्यूशनरीज भी हुए हैं, एंड इसके साथ साथ नेपोलियन जब पूरे यूरोप में गया था तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग तभी लोगों के बीच में राइज हो गई थी, राइट। अब हर्डल्स क्या थी यूनिफिकेशन में, सबसे पहला तो ये था कि फॉरेन डोमिनेंस था, सबसे पहला ऑस्ट्रिया का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था इटली के ऊपर, जैसे कि लिम्बार्डी एंड वेनेशिया जो प्रॉस्परस स्टेट्स थी इटली की, दैट दोज वर गिवन टू ऑस्ट्रिया, किसमें दिया दी गई थी, अंडर कांग्रेस ऑफ वियना, है ना। इसके साथ जो प्रोविंसेस थे परमा मॉडेना एंड टस्किनी के, दोज वर रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, रोम जो था दस वर रूल्ड बाय पोप, बर्बन डायनेस्टी जो थी दस वॉज रूल्ड बाय नेपल्स एंड सिसिली, पेडमॉन्ट सर्डेनिया वर रूल्ड बाय सेवॉय डायनेस्टी, एंड नेशनल यूनिटी ऑफ इटली वॉज डिस्कवर्ड बाय सिस्टम ऑफ वियना कांग्रेस। अभी हम यहाँ पे पढ़ते तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो ये है पेडमॉन्ट एंड दिस इज किंगडम किंगडम ऑफ सर्दिनिया, ठीक है। तो ये जो है दिस वॉज रूल्ड बाय सेवॉय डायनेस्टी, एंड उसके बाद ये जो है मॉडेना टस्किनी, ठीक है, परमा, दीज वर रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। वेनेशिया जो है ये ऑलरेडी दे दिया गया था ऑस्ट्रिया को, है ना, वेनेशिया एंड लम्बार्डी, एंड वेनेशिया और रोम जो थे, ये रोम है, ये सबसे एंड में जो है ये यूनिफाइड हुए हैं इटली में। अब रोम जो था यहाँ पे पोप का रूल है, पेपल सिटी जो है यहाँ पे पोप का रूल है, और यहाँ पे जो है नेपल्स एंड सिसिली यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी है, राइट। तो अभी आपको समझ आ गया, यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी है, ये किंगडम ऑफ सर्दिनिया, पीडमंट जो है यहाँ पे सेवॉय डायनेस्टी है, ये जो है परमा मॉडेना एंड टस्किनी यहाँ पे ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के अंडर है, एंड वेनेशिया एंड लम्बार्डी जो है ये ऑस्ट्रिया के अंडर है, रोम पेपल्स ये वाला एरिया जो है ये पोप के अंडर है, राइट। तो आप देख सकते हो कैसे डिसइंटीग्रेट जो है ये हो चुका है, और ये रिजल्ट किसका था, कांग्रेस ऑफ वियना का। सेकंड इसमें हर्डल क्या था, इसकी अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन या पोजीशन, उसमें क्या है ये आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ सेंट्रल और साउदर्न एरियाज में डिवाइडेड है इटली, और हर एक एरिया का अपना इंपॉर्टेंस है, और हर एक एरिया अपने ही किसी फॉरेन पावर से जो है वो ऑक्यूपाइड है, एंड जो नॉर्दर्न पावर है सॉरी नॉर्दर्न पार्ट है इटली का ये काफ़ी डेवलप्ड था कंपेयर टू साउदर्न पार्ट, ये काफ़ी रूरल था, राइट। थर्ड हर्डल क्या थी, द पोप वॉज डिटर्मिन टू होल्ड हिज रेन ओवर हिज स्टेट रोम, एंड पॉलिटिशियंस डिड नॉट हैव हारमोनियस प्लान्स। जो पॉलिटिशियंस भी थे जैसे मैजिनी और गरिबाल्डी जो थे, ये यूनिफिकेशन चाहते थे इटली की एज अ रिपब्लिक, ठीक है, कि कोई किंग का रूल ना हो, बट जो जियोबर्टी थे ही स्ट्रेस्ड अपॉन अ फेडरल स्टेट। देन उसके बाद इटली हैड नॉट येट डेवलप्ड नेशनल कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे गरिबाल्डी जो थे इनका भी काफ़ी मेजर रोल रहा है, हम पढ़ेंगे, सर्दिनिया का किंग थे इमैनुअल, उनके ये कमांडर थे, एंड मैजिनी सॉरी हाँ गरिबाल्डी जो थे इनका काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, एंड बट अभी ये रिपब्लिक चाहते थे, बट फिर भी इनको जो था किंग किंग का ही क्राउन जो था एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि इसके साथ साथ ये इटली की यूनिफिकेशन भी चाहते थे। तो इटली की यूनिफिकेशन हो गई थी तो इनको इतने से ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो गई थी, ठीक है। तो इनके इसके चलते इन्होंने किंग की जो मतलब एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है, सर्वियनशिप। सो इटली हैड नॉट येट डेवलप्ड नेशनल कॉन्शियसनेस, ऑल इट्स स्टेट फॉलोड देयर डिवर्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, इन वर्ड्स ऑफ मेटर्निक। हाँ, मेटर्निक ने ही यही बोला था कि इटली में देयर स्टूड अ स्टेट अगेंस्ट स्टेट, सिटी अगेंस्ट सिटी, एंड अ फैमिली अगेंस्ट अदर फैमिली, एंड अ मैन अगेंस्ट अदर मैन।
सो नेपोलियन के डिक्लाइन के बाद दूसरा एक हर्डल क्या था कि जो नोबिलिटी या फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो फ्यूडलिज्म लाना चाहते थे इटली में। फ्यूडलिज्म जैसे फ्रांस में हमने पढ़ा था एस्टेट का कॉन्सेप्ट, तो वैसे ही ये चाहते थे कि एग्रीकल्चर, बिकॉज अभी स्पेशली जो साउदर्न इटली था वहाँ पे रूरल लोग रहते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे ज़्यादा। एंड अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इटली में नहीं आया था, तो एग्रीकल्चर बहुत ही वास्ट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा था। तो उसके चलते लैंड्स के ऊपर जो था ये अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे, बिकॉज उनसे इनको टैक्स मिल रहा था। तो ये नहीं चाहते थे कि यूनिफिकेशन जैसी कोई चीज़ हो, बिकॉज यूनिफिकेशन होती है तो इनका इन्फ्लुएंस जो था वो खत्म हो जाता है, राइट। बिसाइड्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऑल्सो हर्डल द पाथ ऑफ यूनिफिकेशन। साउदर्न इटली वॉज रूरल एंड डिवाइड ऑफ डिवेलपमेंट, वाइल नॉर्थ इटली वॉज सेमी इंडस्ट्रियल स्टेट। देन उसके बाद रोल ऑफ नेपोलियन हम पढ़ चुके हैं। देन कल्चर एंड लिटरेरी वर्क, जैसे फिलोसफर्स वगैरह ने काफ़ी काम किया है, मिजनी वगैरह हो गए, विटारो, एल्फीरी, लिपार्डी, तो इनके उन्होंने दे हेल्प टू अवेकन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग मासेज। देन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म धीरे धीरे ये हुई इमर्ज। एंड फर्दर जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ दैट इज एक्टिविटीज ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबिन क्लब पढ़ा, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स बन गए थे, है ना, तो उसमें सबसे फेमस रहा जैकोबिन क्लब। तो वैसे ही इटली में सोसाइटीज बनी, जिसमें सबसे फेमस सोसाइटी रही है कार्बोनरी सोसाइटी, राइट। कार्बोनरी सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मीन्स लोगों के बीच में पोलिटिकल अवेकनिंग जो थी वो अराइज की, राइट। एंड बिकॉज उनको पता था कि जो कांग्रेस ऑफ वियना का जो भी रिजल्ट उनके ऊपर इम्पोज किया गया है वो बिल्कुल नेशनैलिटी के अगेंस्ट है, राइट। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो थी वो लॉन्च की, एंड दे वॉन्टेड टू यूनाइट इटली इंटू वन नेशन। तो इसके चलते उन्होंने नेपल्स का जो किंग था, नेपल्स में क्या थी, बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, तो उनका जो किंग था फर्डिनेंड फोर, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट जो था ऑर्गेनाइज किया एंड डिमांडेड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिसिली। तो 1821 में ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे आर्मी भेजी और रिवोल्ट को क्रश किया इन द बैटल ऑफ रियटी। इसके साथ साथ जब ये वापस आया तो पीडमंट में भी रेवोल्यूशनरीज ने रिवोल्ट किया, वहाँ पे भी बैटल ऑफ नवारा हुई, तो ऑस्ट्रियन जो आर्मी थी उन्होंने वहाँ पे भी रिवोल्ट को क्रश किया। सिमिलरली परमा एंड मॉडेना में ऑलरेडी ये जो थे यहाँ पे ऑस्ट्रियन प्रिंसेस ही रूल कर रहे थे, तो यहाँ पे भी रिवोल्ट को क्रश किया गया। सो कार्बोनरीज हर जगह से फेल हुए, बट फिर भी उन्होंने मतलब हिम्मत नहीं छोड़ी, विच फाइनली पेव्ड द वे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एंड इसके साथ साथ फिर एक मूवमेंट चली, यंग इटली मूवमेंट, दैट वॉज इनिशिएटेड बाय मेजिनी एज अ स्पिरिचुअल फोर्स, राइट। सो मेजिनी जो थे इन्होंने कार्बोनरी कमेटी एक ज्वाइन की थी अपने बचपन में ही, एंड उनका मेन ऑब्जेक्टिव था एक तो पॉलिटिकल अवेकनिंग जो थी उसको अराइज करना और अपने मदरलैंड को फॉरेन रूल से लिबरेट करवाना, राइट। सो इसके चलते इनको एक बार जेल भी हुई थी, एंड आफ्टर हिज रिलीज इन 1831 ही एस्टेब्लिश्ड अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूथ ऑफ इटली, जिसको यंग इटली बोला गया। इन्होंने मेन एम्फेसाइज किया कि जो यंगर जनरेशन है उसको, उनको अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहिए, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अराउज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो लोग थे 40 साल से उम्र कम थी जिनकी उन्होंने बीच में पार्टिसिपेट किया, अपनी 50% से भी ज़्यादा इनकम को इस पार्टी फंड में लगाया, और 1833 तक जाते जाते 60,000 से भी ऊपर लोग जो थे इस पार्टी में हो गए, और इसका स्लोगन था गॉड द पीपल एंड इटली, ठीक है। तो इसके चलते लोगों के बीच में एक वो पैट्रियटिज्म की फीलिंग जो थी वो अराइज हुई। सो 1843 में यंग इटली रिवोल्टेड इन सिसिली बट फेल्ड इन इट्स मिशन। बट 1848 में बाय द रिवोल्ट ऑफ दिस पार्टी इन नेपल्स, किंग फर्डिनेंड ने कॉन्स्टिट्यूशन जो था सिसिली का उनको ग्रांट किया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पैट्रियट्स ऑफ यंग इटली पार्टी ज्वाइंड रेड शर्ट्स ऑफ गरिबाल्डी। एक्चुअली ये मूवमेंट अभी होगी बिकॉज अभी इमैनुअल किंग आएंगे, ठीक है, सर्दिनिया का किंग था वो, तो उसके अंडर ही ये जो गरिबाल्डी थे ये कमांडर थे, तो इन्होंने जो थी ये मूवमेंट स्टार्ट की रेड शर्ट मूवमेंट। तो इसमें जो लोग थे मतलब रेड शर्ट्स डालते थे, थाउजेंड ऑफ पीपल वर देयर, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस है इटली की मूवमेंट। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजिनी रिपब्लिकन जो थे रोम के, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट पोप, और पोप को जो था वो थ्रोन से हटाया गया। बट अगेन फ्रांस ने रोम में आर्मी सेंड की और दोबारा से वहाँ के में जो रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज थे जो मेजिनी के द्वारा भेजे गए थे उनको क्रश किया और पोप को दोबारा रीइंस्टेट किया। सो बाय दिस ड्रीम ऑफ मेजिनी जो था वो शैटर्ड हो गया, बट हिज कॉल इटली इज वन कंट्री एंड इटालियंस आर वन कास्ट पेव्ड द वे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली।
अब इसमें हम पिगमेंट सर्दिनिया की बात करते हैं सबसे पहले, एंड विक्टर इमैनुअल सेकंड की। अब जो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग थे टस्कनी के, उन्होंने क्या किया कि वहाँ का जो रूलर था, रूलर कौन था, ऑस्टिन प्रिंस था लियोपोल्ड, उसको हटा के उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो थी वो इस्टेब्लिश कर दी। इसके साथ साथ फ्लोरेंस में भी, ठीक है, जो था वो रिवोल्ट हुए। सो ऑस्ट्रिया ने अपनी आर्मी दोबारा से भेजी, और इसके साथ क्या हुआ कि जो मतलब लोग थे, उन्होंने जो पेडमेंट सर्दिनिया का जो किंग था, ठीक है, चार्ल्स एल्बर्ट, उसको रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कि तुम जो है वो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो है वो अपनी आर्मी रेज करो, हम लड़ेंगे उनके अगेंस्ट। सो 1849 में ये लड़ाई हुई, बट ऑस्ट्रिया ने जो था इनको हरा दिया, और किंग जो था वो इतना डिसअपॉइंट हुआ कि वो अपना थ्रोन उसने छोड़ दिया। सो हिज सन विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था वो अब गद्दी पे बैठ गया। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बंदा था, और उसकी सोच और उसके जो बंदे थे उन्होंने मिलके इटली को यूनिफाई करने में बहुत ज़्यादा योगदान डाला। सो विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर कैवर एंड कमांडर गैरिबाल्डी, ही मार्च टू फॉरवर्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड बिकेम सक्सेसफुल। अब कैवर का क्या रोल था? कैवर ने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, रिवाइवल मूवमेंट, जिसको इटालियन लैंग्वेज में कुछ और ही बोलते हैं। सो इट पेव द वे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1848 में ही इनकरेज पीडमेंट टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ठीक है। बट इसने अब ये रियलाइज करे, बिकॉज हर जगह में आप देख रहे हो, सिसिली में रिवोल्ट हुआ है ना, फिर उसके बाद मैडोना परमा एरिया में रिवोल्ट हुआ, जहाँ जहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ है वहाँ वहाँ पे भी ऑस्ट्रियन आर्मी ने उसको सप्रेस किया। अब इसको ये चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कैवर को कि अब हम कोई फॉरन जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होगी उसके असिस्टेंस के बिना हम जो है ये वॉर नहीं जीत सकते हैं, ठीक है, या यूनिफाई नहीं कर सकते हैं इटली को। तो इसने फ्रांस की हेल्प ली। अब फ्रांस को उस टाइम पे हेल्प चाहिए थी, एक रिलीजियस वॉर चल रही थी, क्रीमियन वॉर। तो उसमें क्या था, रशियन एम्पायर एक तरफ था और ब्रिटेन, ओटोमैन एम्पायर एंड फ्रांस एक तरफ था। तो फ्रांस का असिस्टेंस इसमें दिया सर्दिनिया ने, ठीक है, क्रीमियन वॉर में। तो बदले में कैवर जो था वो, मतलब फ्रांस जो था बदले में कि अपनी इसने देखो सर्विस प्रोवाइड की फ्रांस को, राइट, सर्दिनिया ने, तो बदले में फ्रांस की हेल्प ली अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जो था उसको लंबार्डी से ऑस्टर्ड कर दिया गया, यहाँ पे भी उसको दे दिया गया था अंडर कांग्रेस ऑफ वियना। तो लंबार्डी से यहाँ पे ऑस्ट्रिया को ऑस्टर्ड कर दिया गया। अब लंबार्डी जो है उसको भी किंगडम ऑफ सर्दिनिया के अंडर नेक्स्ट कर लिया गया। तो काफी बड़ा एरिया इनके पास आ गया। सो एट दिस स्टेज द सेंट्रल इटालियन स्टेट परमा मॉडर्न एंड टस्कनी ज्वाइंट सर्दिनिया पीडमेंट अंडर विक्टर इमैनुअल। और इसके साथ साथ जितनी भी स्टेट्स थी जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के अंडर थी, जिसमें ये टस्कनी आ गई, ठीक है, मॉडेना आ गई, परमा आ गई, तो ये कितना एरिया जो है ये इनके साथ किंग इमैनुअल के अंडर आ गया, मतलब जितना भी एरिया एक्सेप्ट वेनेशिया, ठीक है, वेनेशिया लेटर ऑन आएगा। सो मीन वाइल इसके साथ साथ कुछ रिवोल्ट यहाँ पे भी चल रहे थे, सिसिली में, नेपल्स में। तो यहाँ पे अंडर गुसेप गरिबाल्डी जो कि कमांडर थे इमैनुअल के, उनके अंडर रेड शर्ट मूवमेंट हुई एंड पीपल मार्च टू नेपल्स एंड सिसिली इन सपोर्ट ऑफ रिवोल्ट्स देयर। सो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज वर लिबरेटेड इन 1860। नेपल्स एंड सिसिली नोन एज द किंगडम ऑफ टू सिसिली, मतलब नेपल्स एंड सिसिली को किंगडम ऑफ टू सिसिली बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी सर्दिनिया को ज्वाइन कर लिया। तो अब सर्दिनिया के पास इतना सारा एरिया आ गया है ना, सिर्फ रह क्या गया है, ये वाला जो पोप के पास एरिया है वो रह गया है, एंड इसके साथ साथ ये वेनेशिया वाला जो एरिया है वो रह गया है। सो गरिबाल्दी वॉज रिपब्लिकन, येट ही सपोर्टेड अगेंस्ट हिज ओन कन्विक्शन द यूनियन ऑफ इटली अंडर द क्राउन, ठीक है। चाहता तो वो रिपब्लिकन था, बट अब यूनिफाइड हो रहा है तो उसने कोई भी यहाँ पे अपोजिशन नहीं दिखाई है। सो कैवर डिस्पैच्ड एन आर्मी टू ऑक्युपाई द पोप्स प्रिंसिपैलिटी विच वॉज कॉन्कर्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। दस बाई 1861 होल ऑफ इटली एक्सेप्ट वेनेशिया एंड रोम वॉज यूनाइटेड। तो वेनेशिया भी ऑस्ट्रिया के अंडर है, रोम जो है दैट वॉज रूल्ड बाई पोप। सो फाइनली वेनेशिया कब हुआ इटली के अंडर मर्ज, बाय इन 1866, ठीक है। तब ऑस्ट्रियन प्रूशियन वॉर, ऑस्ट्रिया प्रूशियन वॉर चल रही थी, तो उसके चलते ऑस्ट्रियन की इकोनॉमी काफ़ी वीक चल रही थी, आर्मी भी काफ़ी उसको लॉस हुआ था, तो उस चीज़ का एडवांटेज जो था वो इटली ने लिया, और जो वेनेशिया था उसको 1866 में अपने बीच में मर्ज किया। एंड प्रशिया की फ्रांस के साथ लड़ाई हुई थी 1870 में, तो उसमें उसने फ्रांस का जो वीकनेस थी उसका एडवांटेज लिया, और इटली ने रोम को अपने अंदर जो था वो मर्ज किया, और रोम को अपनी कैपिटल जो था वो डिक्लेयर की कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो थी वो
कंप्लीट हो गई. सो दैट्स ऑल. इसके बाद हम करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.